भारतीय टीम का ऐलान श्रीलंका दौरे के लिए अब कभी भी हो सकता है, लेकिन इस दौरे से पहले बहुत सारे सवाल भारतीय टीम के इर्द गिर्द, टीम सेलेक्टर्स के इर्द गिर्द और कोच, जो नए नवेले कोच बने हैं गौतम गंभीर, उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब जो एक रिसेंट खबर निकल कर आ रही है, रिपोर्ट निकल कर आ रही है, जो हम आपको बताने वाले हैं, शायद इसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं हुई है, वो ये है कि हार्दिक पांड्या की T20 की कप्तानी अब खतरे में है। गौतम गंभीर कोच बन गए हैं, अभी टीम का ऐलान हुआ नहीं है। भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर जाएगी, जहां पर 3 T20 आई और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी है। अभी भारतीय टीम का ऐलान हुआ नहीं है। भारतीय टीम का ऐलान का सबको इंतजार है कि उस टीम में किसको जगह मिलेगी। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, ये तो आराम करेंगे, लेकिन इसके अलावा क्या हार्दिक पांड्या वापसी कर रहे हैं? और अगर वापसी कर रहे हैं तो क्या वो कप्तान के तौर पर वापसी कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी पेच यही फंसी है। आप T20 की कप्तानी रोहित शर्मा को करते हुए देख रहे थे, उन्होंने भारतीय टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाकर T20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया। अब इसके बाद कहा जा रहा था कि जो अगले कप्तान होंगे वो लगभग तय भी माना जा रहा था कि हार्दिक पांड्या ही होंगे, लेकिन अब सिलेक्शन होने से पहले जो खबरें निकल कर आ रही हैं, वहां पर कहा जा रहा है कि हार्दिक पांड्या के कप्तानी पर अब सवाल उठ रहे हैं, उनकी कप्तानी पर काले बादल छा रहे हैं, उनसे कप्तानी ली जा सकती है और कप्तानी सूर्य कुमार यादव को दी जा सकती है T20 क्रिकेट की। इससे पहले जब रोहित शर्मा नहीं थे, हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम की कप्तानी करी, और जब वो इंजर्ड थे तो उस बीच सूर्य कुमार यादव ने भी कप्तानी की जिम्मेवारी संभाली, लेकिन अब जब रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया है और भारतीय क्रिकेट को फुल टाइम कैप्टन किसी को T20 क्रिकेट का बनाना है, तो वहां पर अब गौतम गंभीर, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर एंड कंपनी किसको बनाएगी वो फुल टाइम कैप्टन भारतीय टीम के T20 क्रिकेट फॉर्मेट में। हार्दिक पांड्या की कप्तानी अगर बच सकती है तो अब वो सिर्फ BCCI सचिव जय शाह बचा सकते हैं, क्योंकि जय शाह और हार्दिक पांड्या के बीच जो रिश्ते हैं उसको काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन अभी फिलहाल जो कप्तानी को लेकर सारे सिनेरियो निकल कर आ रहे हैं, वो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है आपको सूर्य कुमार यादव T20 टीम के फुल टाइम कैप्टन दिखाई दे। यानी हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर अब सवाल भी उठ चुके हैं, बवाल भी मच रहा है, और सिलेक्शन जब होने वाला है उसके पहले ये सारी खबरें और रिपोर्ट्स भी निकल कर आ रही हैं। आपके हिसाब से भारतीय टीम का कप्तान कौन होना चाहिए T20I फॉर्मेट में रोहित शर्मा के बाद? क्या हार्दिक पांड्या सही विकल्प होंगे, जिनको लगातार खबरों में रखा गया था कि अगले T20 के कप्तान यही होंगे? जब कोच गौतम गंभीर का सिलेक्शन हो रहा था उस वक्त भी रिपोर्ट निकल कर आई कि BCCI ने हार्दिक पांड्या को लगातार लूप में रखा है, क्योंकि अगले T20 कप्तान वही होने वाले हैं। लेकिन अब अचानक से सूर्य कुमार यादव का नाम बाहर निकल कर आ रहा है कि वो हो सकता है आपको T20 टीम की कप्तानी करते दिखाई दे। आपके हिसाब से कौन सबसे सही कप्तान होगा, हार्दिक पांड्या या सूर्य कुमार यादव? इसके बारे में अपनी राय हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, स्पोर्ट्स जुड़ी तमाम अपडेट्स और खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव ABP लाइव को। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल ABP लाइव प्रीमियम।